हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। यह वीडियो हिंदी भाषा में होगा और इसमें मैं 27 जनवरी से 31 जनवरी यानी 27, 28, 29, 30 और 31 पांच दिन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। टोटल क्वेश्चन का नंबर है 183 और आप देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं। कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम किसी न्यूज़पेपर से छोड़ते हैं। लगभग 16 से 17 न्यूज़पेपर हम ढूंढते हैं उनमें क्वेश्चन, और आप अगर हमारे वीडियोस करते हैं तो फिर आपको ना किसी न्यूज़पेपर, किसी दूसरे वीडियो और किसी मैगजीन को पढ़ने की जरूरत है। तो हमारा ये पांच दिन का वीडियो है, इसमें हम सारे करंट अफेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आप तक लेकर आएंगे। और अब आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो www.facebook.com/gaurav-education इस पर आपको जाना होगा। और हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं रेलवेज, एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ के लिए उपलब्ध हैं। 2017 एग्जाम के लिए पेन ड्राइव पूरी तरह से अपडेट कर दिए गए हैं। लगभग 200 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो पूरा सिलेबस 100% सिलेबस कवर करेंगे। इसके अलावा हर हफ्ते दो नए वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जब तक आपकी पेन ड्राइव की वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाती। कोई भी पेन ड्राइव अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा 9580048004। तो चलिए अब ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। इनमें से कितना अमाउंट है जो आदित्य बिरला ग्रुप इन्वेस्ट करना चाहता है आंध्र प्रदेश के अंदर अगले कुछ सालों के अंदर, अगले दो सालों के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप? तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं आदित्य बिरला ग्रुप के, जैसे सीमेंट का बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस हैं। और टोटल अमाउंट जो ये आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहा है वो है 7000 करोड़। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं अमरावती है। याद रखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, वो तेलंगाना की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के हैं। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो होलोकॉस्ट बोलते हैं जब किसी देश में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर किसी को मार दिया जाता है, और ऐसा कई बार हुआ है। जैसे हिटलर ने लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो ज्यूज थे, यहूदी थे, उन्हें मार दिया था। तो उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम मनाते हैं 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, और इसे खुद संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। और इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे मनाया जाता है ऑशविट्स डेथ कैंप, जो कि जर्मनी में है, जहां पे यहूदियों को मारा जाता था। इनमें से एक क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है जिसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, इसीलिए बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी भी बोलते हैं। और इसरो ने अभी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 103 सैटेलाइट दागे हैं, दागेगी पहले हफ्ते में फरवरी के। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, इससे पहले रिकॉर्ड था रशिया का। क्रायोजेनिक इंजन मतलब जो ठंडे टेम्परेचर पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर काम करता है, उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायो मतलब होता है कोल्ड, और ये इस इंजन का नाम है C25। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अमरीकी मनी ट्रांसफर कंपनी मनीग्राम को 880 मिलियन डॉलर में खरीदने की पेशकश की है? 880 मिलियन डॉलर लगभग होता है 6000 करोड़ रुपए। 6000 करोड़ रुपए में कौन सी भारत की कंपनी अमेरिका की मनीग्राम कंपनी को खरीदेगी? तो ये कंपनी है एंट फाइनेंशियल। एंट मतलब चींटी, तो इसका जो लोगो है वो भी यही है, एंट फाइनेंशियल। और एंट फाइनेंशियल जो है ये वैसे चाइनीज कंपनी है, इट इज़ अ चाइनीज ई कॉमर्स जायंट, अलीबाबा की एक कंपनी है। चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा। अलीबाबा के फाउंडर आपसे पूछेंगे एग्जाम में जरूर, जैक मा। और अलीबाबा की एक कंपनी है एंड फाइनेंशियल, और एंड फाइनेंशियल खरीदेगी मनीग्राम को। इनमें से कौन सा राज्य है जिसके गवर्नर ने अभी अभी रिजाइन किया है क्योंकि उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का जो मुकदमा है वो चल रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट का जो चार्ज है उन पे एक्यूजेशन लगा है, ब्लेम लगा है, इसलिए इनको रिजाइन करना पड़ा? तो कौन से राज्य के गवर्नर हैं ये? ये हैं मेघालय के गवर्नर वी षणमुगुनाथन। सो आंसर है मेघालय। और एक बात और याद रखिए, जो गवर्नर जहां पे रहता है किसी भी राज्य में उसको बोलते हैं राजभवन। अभी अभी एक रिसेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है जो रिलीज की है वॉलनट ऐप ने, इसके हिसाब से भारत का कौन सा राज्य कैशलेस इंडिया स्कोर कार्ड में नंबर वन है, यानी कैशलेस ट्रांजेक्शन किस राज्य में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए यह राज्य बाकी राज्यों से आगे निकल गया है। तो इसमें पहले नंबर पे है गुजरात, और दूसरे नंबर पे है तेलंगाना,
तो तेलंगाना है सेकंड और हरियाणा है थर्ड. गुजरात पहला है और ये अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि गुजरात में बहुत समय पहले से ही कैशलेस ट्रांजैक्शन पर जोर दिया गया. विमुद्रीकरण के पहले भी गुजरात में ही भारत का पहला गांव एकोडारा जो कि साबरकंठी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसे कैशलेस बना दिया गया था. गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी. तो ये भी बहुत बच्चों को नहीं पता होता, गलत करते हैं बच्चे. आनंदीबेन पटेल मार्क कर देते हैं और आनंदीबेन पटेल कम से कम 6-7 महीने पहले ही उनको चेंज कर दिया गया था. तो विजय रूपानी है गुजरात के मुख्यमंत्री. इनमें से कितने एमओयू भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसकी राजधानी है आबू धाबी इनके बीच साइन हुए 25 जनवरी को दोनों देशों में आपसी सहयोग के लिए. और याद रखिए जो यूएई है संयुक्त अरब अमीरात इनके जो आबू धाबी के युवराज हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन अल जैद नहयान वो हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के ऊपर. तो टोटल एमओयू जो साइन हुए वो हुए 14 एमओयू साइन हुए नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के बीच में हैदराबाद हाउस नई दिल्ली के अंदर. इनमें कई तरह के एमओयू हैं जैसे डिफेंस में, शिपिंग में, एग्रीकल्चर में एटसेट्रा. भारत की वो कौन सी इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज कंपनी है जिसने यूएई की आबू धाबी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी ADWEA के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बिजली उत्पादन में आपसी सहयोग के लिए. तो ये भारत की कौन सी कंपनी है, इसका नाम है पावर ग्रिड GRID पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL. इनमें से कौन सी नेवल एक्सरसाइज यानी जल सेना की एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो 24 जनवरी 2017 को शुरू हुई और ये आपको बताना है इस एक्सरसाइज का नाम क्या है. तो इस एक्सरसाइज का नाम है थिएटर रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज जिसको शॉर्ट में कहते हैं ट्रोपेक्स. समय समय पे भारत आपस में सेना की दो टुकड़ियों के बीच में या विदेशी सेनाओं के साथ प्रैक्टिस करता है, इसे बोलते हैं नेवल या आर्मी एक्सरसाइज या एयरफोर्स. कई तरह की एक्सरसाइज होती हैं तो इनमें कई तरह की एक्सरसाइज हैं जैसे मालाबार एक्सरसाइज हम करते हैं अमेरिका और जापान के साथ हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशियन में चाइना को डराने के लिए. और इस तरह से हम चाइना के साथ एक करते हैं हैंड इन हैंड. हम स्लिनेक्स करते हैं, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट करते हैं. तो जो भी डिफेंस एक्सरसाइज हैं ये हमारे डिफेंस करंट अफेयर्स का हिस्सा है. इनमें से कितना फंड है जो आंध्र प्रदेश की सरकार इन्वेस्ट करेगी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स के अंदर यानी जो नए उद्योग हैं, नूतन उद्योग हैं उनके अंदर, खासकर जो वाणिज्य और फाइनेंस से संबंधित रखते हैं उनमें कितना इन्वेस्ट करेगी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट. इसके लिए इन्होंने एक फंड बनाया है, कोष बनाया है जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से, ध्यान से सुनिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये दिखाता है कि जो दुनिया में कौन सा देश है वो कितना भ्रष्ट है, कितना करप्ट है. 176 कंट्रीज में भारत का क्या स्थान है. और इसे करवाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी कि पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर. तो 176 कंट्रीज में आप जानते हैं भारत एक बहुत भ्रष्ट देश है, तो हमारा स्थान है 79. और इस इंडेक्स में नंबर वन पोजीशन है न्यूजीलैंड और डेनमार्क की. न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ही नंबर वन है यानी इन दोनों देशों में करप्शन सबसे कम है. न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड पर पड़ता है न्यूजीलैंड. और जो डेनमार्क है इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है. इनमें से कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने वोडाफोन के से एक $500 मिलियन यानी कि आप इसे कह सकते हैं लगभग 3300 करोड़ रुपए, लगभग आप इसको हाफ कर दीजिए 67 का, तो यस 3300 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसे अपना 4G नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए. सो वोडाफोन ने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपना 4G नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए. और ये कंट्री है नोकिया. याद रखिए नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, अब इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है. तो अब जो कोई भी मोबाइल फोन आएंगे वो नोकिया कंपनी के नहीं आएंगे अपितु माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आएंगे. इनमें से कौन सा पेमेंट गेटवे है जो भारत सरकार ने अपनी ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप जो निकाली थी ट्रांजेक्शन के लिए, जिसके रिकॉर्ड डाउनलोड हुए हैं 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इस ऐप के. और बहुत ही शानदार ये ऐप है, आई होप आपने ट्राई की होगी, एंड्रॉयड पे उपलब्ध है. तो इसके लिए कौन सा पेमेंट गेटवे भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इसका नाम रखा गया है आधार पे. और 27 तारीख को ये लॉन्च किया. जो भीम ऐप है इसका नाम भीम रखा, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे जिनका 14 अप्रैल को जन्मदिन होता है. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है.
इनमें से कौन से शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है SBI एक्सक्लूसिव। और याद रखिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को पलट के कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट निकाला है उसका नाम क्या है। तो नाम अच्छे से याद रख लीजिए, SBI एक्सक्लूसिव, और इसको लॉन्च किया गया कोची के अंदर। कोची कहां पर है? कोची है केरल में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन है वो है अरुंधति भट्टाचार्य, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने तीरथ एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कृषि में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसानों को? सो इस बैंक का नाम है कर्नाटका बैंक लिमिटेड। कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने तीरथ एग्रो के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इनमें से कौन सा कंट्री है जहां पे हेल्थ फॉर ह्यूमैनिटी योगाथन ऑर्गेनाइज किया हिंदू स्वयंसेवक संघ ने अपने इसकी 10वीं एनिवर्सरी के ऊपर? हिंदू स्वयंसेवक संघ ने कहां पर, कौन से देश में ऑर्गेनाइज किया हेल्थ फॉर ह्यूमैनिटी योगाथन, जहां पे योगा जो भारत की विश्व को देन है उसके बारे में उसका प्रचार किया गया, उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई? ये ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, और इसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार यजन या फिर हेल्थ फॉर ह्यूमैनिटी योगाथन। इनमें से वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्हें 2016 का नेशनल जियो साइंस अवार्ड मिला है अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए, शानदार काम के लिए जियो एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर, जो अप्लाइड जियो साइंसेज होती हैं उसके अंदर? तो भूविज्ञान के अंदर इन्होंने बहुत योगदान दिया, इसके लिए इन्हें मिला नेशनल जियो साइंस अवार्ड, और इनका नाम है डॉक्टर ए केशव कृष्णा। ये नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं जो कि हैदराबाद के अंदर है, NGRI, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। कितने भारतीय मूल के लोग हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है इस साल, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कितने भारतीयों को मिला है? तो टोटल भारतीय हैं 3, यानी कि 3, और इनमें एक है पुरुषोत्तम सावरिकर जो कि एक डॉक्टर हैं, इसके अलावा माखन सिंह खंगूरे जो पर्थ से हैं, और विजय कुमार। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने, तीनों डॉक्टर हैं, तीनों ने अपने बहुत योगदान दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनका नाम है मेलकॉम टर्नबुल। इनमें से कौन से राज्य में HPCL और गेल, तो HPCL और गेल, HPCL बोलते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और गेल बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोनों ही बहुत बड़ी कंपनियां हैं, और दोनों कंपनियों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है साइन 40,000 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने का। दोनों कंपनी मिलकर लगा रही हैं 40,000 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल प्लांट। कौन से राज्य के अंदर ये लगाया जा रहा है? और ये दोनों 50-50 इसमें पैसा लगाएंगी, 20,000 करोड़ HPCL और 20,000 करोड़ गेल, ये लगेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। सो आंसर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कहां लगेगा? काकीनाडा। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च करी दुलारी कन्या स्कीम, जिससे जो होने वाले बच्चे हैं उनके, उनकी जो मृत दर है उस पर काबू पाया जा सके? बहुत सारे बच्चे हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए दुलारी कन्या नाम की स्कीम लॉन्च करी अरुणाचल प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के एक शूरवीर हंगपन दादा जी को अभी अशोक चक्र पुरस्कार मिला 26 जनवरी के दिन। तो ये भी आपको याद रखना है, जब शांति होती है देशों में, युद्ध नहीं होता, उस दौरान सबसे ऊंचा अवार्ड होता है अशोक चक्र। तो अरुणाचल प्रदेश के थे हंगपन दादाजी। और ये जो स्कीम है इसमें 20,000 रुपये जो गर्ल चाइल्ड है, यानी अगर लड़की पैदा होती है तो उसके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे सरकार द्वारा। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे 2017 का CII पार्टनरशिप समिट स्टार्ट हुआ, यानी कन्फेडरेशन ऑफ द इंडिया इंडस्ट्री समिट, ये कहां पर स्टार्ट हुआ? सो ये स्टार्ट हुआ विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम किसके तट पे है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। इसमें 51 कंट्रीज ने हिस्सा लिया। कौन से राज्य की सरकार ने अभी अभी ऑर्गेनाइज किया फार्मर्स मार्टर्स डे, मार्टर्स ऑफ 1894 फार्मर्स राइजिंग एट पथरू घाट? तो 1894 की बात है, यहां पर 28 जनवरी को 140 फार्मर थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था और 150 इंजर्ड हो गए थे। ये ब्रिटिशर्स ने किया था, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठी थी 1894 के अंदर। तो उनकी शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है फार्मर्स मार्टर डे, और ये मनाया जाता है असम में। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल।
अमेरिका की एक विदेशी नीति यानी फॉरेन पॉलिसी की मैगजीन आती है जिसका नाम है द अमेरिकन इंटरेस्ट। इस मैगजीन के हिसाब से दुनिया की जो 8 सबसे बड़ी पावर हैं उनमें भारत का क्या स्थान है? भारत का इसमें स्थान है 6। नंबर 1 पे है अमेरिका और नंबर 2 पे 2 कंट्री हैं, एक है जापान और दूसरा है चाइना। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कोई नहीं है क्योंकि दूसरे नंबर पे 2 हैं। चौथे नंबर पे है रशिया, 5वें पे जर्मनी और भारत है 6 पे। 7वें नंबर पे है ईरान। तो ये हैं रैंकिंग, एटलीस्ट टॉप 3 तो आपको याद रखने ही हैं। शेखर नायक, इनको पद्मश्री मिला। हमारा पद्म अवार्ड के ऊपर प्रशांत धवन ने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब किसे मिले, ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो शेखर नायक इन्हें मिला पद्मश्री। तो कौन सा खेल खेलते हैं शेखर नायक? शेखर नायक खेलते हैं क्रिकेट, लेकिन ये ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं, ये देख नहीं सकते, दृष्टिहीन है। तो इन्हें मिला अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए पद्मश्री अवार्ड। और एक बात और याद रखिए, जो दृष्टिहीनों के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है और वो शुरू भी हो चुका है 29 जनवरी से। और ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल द्रविड़। हमारा वो कौन सा मंत्रालय है जिसने शुरू किए हैं नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स? नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड होते हैं जो लोग नए बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड कौन से भारत के मंत्रालय ने स्टार्ट किए हैं? ये स्टार्ट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे राजनाथ सिंह जो हमारे गृह मंत्री हैं। और 30 जनवरी को ये सेरेमनी हुई थी जिसमें 11 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दिए गए थे। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने 28 तारीख को लॉन्च किया ब्रह्मपुत्रा लिटरेरी फेस्टिवल? ब्रह्मपुत्रा लिटरेरी फेस्टिवल, ये एक और लिटरेरी फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्च किया असम ने। अगर आप ऑप्शन ही देखें तो कम से कम 2 ऑप्शन तो निकाल सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ बहती है? असम में बहती है और अरुणाचल में बहती है, दोनों में बहती है। तो या तो ऑप्शन सी हो सकता है या डी हो सकता है, तो इस तरह से भी आप थोड़ा सोच सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हैं जो यहाँ पे एक तरह का पॉलिटिकल अपहेवल हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पेमा खंडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये चाइना की नदी है, इसे तोसांग पो बोलते हैं। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर यानी हिमनद से निकलती है और फिर भारत आती है, तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी आप ये याद रख सकते हैं। और एक और लिटरेचर फेस्टिवल अभी अभी हुआ है जयपुर में, ये स्टार्ट हुआ था 19 तारीख को और इसका उद्घाटन किया था गुलजार साहब ने, सदगुरु जग्गी वासुदेव ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने। 29वां केरल साइंस कांग्रेस आयोजित किया गया केरल के अंदर, जिसका उद्घाटन किया केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको बताना है इस बार इसका थीम क्या था, यानी 29वें केरल साइंस कांग्रेस का थीम ये था जीनोमिक्स इन हेल्थ एंड साइंस, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पर आधारित था जीनोमिक्स इन हेल्थ एंड डिजीज। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक प्रपोजल है उसको मंजूरी दे दी है, और वो प्रपोजल है भूटान शहर का। भूटान शहर अपना एक कंसुलेट जनरल ऑफिस खोलना चाहता है ऑफ द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान गुवाहाटी के अंदर, तो इसके लिए इस राज्य की सरकार ने मंजूरी दे दी है। सो असम में है गुवाहाटी, सो आंसर है असम। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन द ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स अंडर एशिया कैटेगरी? यानी कि भारत के अंदर एक थिंक टैंक है ORF। अगर आपने रायसीना डायलॉग वाला वीडियो देखा होगा या रायसीना डायलॉग को फॉलो किया होगा तो आप जानते हैं ORF उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो थिंक टैंक बोलते हैं विचार मंच को, जो पॉलिसी डिसीजन लेने में सरकार की मदद कर सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं और सरकार के भी हो सकते हैं। तो ORF जो है इसका एशिया के जो जितने भी थिंक टैंक या विचार मंच हैं उनमें क्या स्थान है, और ये रैंकिंग दी लॉडर इंस्टीट्यूट ने। ORF का स्थान है पहला, और ORF का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली के अंदर। ये सबसे टॉप थिंक टैंक है, लगभग इसमें बहुत सारे कंट्री थे, चाइना था, इंडिया, जापान, कोरिया, बहुत सारे थे, लेकिन नंबर 1 है हमारा भारत का ORF। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए 21 जनवरी को, और ये अपनी पहली जो मीटिंग है किस देश के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे, किस देश के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली मीटिंग? ये करेंगे यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ।
Theresa May? And this is a very, very important question. इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसे ऐप कैश कैश ई नाम की ऐप है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके साथ, ये आपको बताना है, जो इस ऐप के यूजर हैं वो अपना जो लोन अमाउंट है वो डिपॉजिट कर सकते हैं इस डिजिटल वॉलेट में. तो ये है पेटीएम, और पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, विजय शेखर शर्मा. और इनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, जिसमें इन्होंने 1% स्टेक अभी अभी बेचा था. इनमें से कितना अमाउंट है जो तेल बेचने वाली सरकारी कंपनियां हैं ऑयल पीएसयूज, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ, और ये तेल बेचने वाली सरकारी कंपनियां प्रोजेक्ट लगाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर, तो कितने रुपए का ये एमओयू साइन हुआ है? ये एमओयू साइन हुआ है 1.65 लाख करोड़ रुपीज का. और ये तेल बेचने वाली सरकारी कंपनी आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, एचपीसीएल, ऑयल एंड नेचुरल गैस है ओएनजीसी, या फिर गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो इन कंपनियों ने मिलकर साइन किया है ये आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ 1.65 लाख करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट. मेघालय का नया गवर्नर किसे बनाया है, एडिशनल चार्ज दिया है. एडिशनल चार्ज का मतलब होता है ये ऑलरेडी किसी राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, लेकिन साथ साथ अब ये मेघालय का कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि मेघालय के जो गवर्नर थे वी षणमुगनाथन, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए थे. तो इनके जो नए बने हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, और बनवारी लाल जो पुरोहित हैं इनको दिया गया है एडिशनल चार्ज. बनवारी लाल पुरोहित असम के गवर्नर हैं और ये मेघालय का भी कार्यभार संभालेंगे. भारत के आर्मी चीफ कौन है जिन्होंने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया, जिससे अगर कोई भी आर्मी का व्यक्ति उसे कोई प्रॉब्लम है तो उस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर को यूज कर सकता है. क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें देखी गई, जैसे अभी वो बीएसएफ वाला मामला सामने आया था जिसमें बीएसएफ का एक सोल्जर खुश नहीं था खाने की क्वालिटी से, तो उसने फेसबुक पे वो अपलोड कर दिया था और वो वायरल हो गया था वीडियो. तो ये सब मामले सेना के अंदर ही रहे, इसीलिए सेना कोशिश कर रही है. तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बिपिन रावत, जो भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बिपिन रावत. इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही पुराना कीड़ा ढूंढा है जो अभी तक सुरक्षित रखा हुआ था अंबर के अंदर? जैसे पुरानी जो डेड बॉडी होती थी उनको जब हम प्रिजर्व कर लेते थे, जैसे ममीज वगैरह आपने सुना होगा इजिप्ट के अंदर वो सुरक्षित रहती थी, उसी तरह से ये जो कीड़ा है इसे भी सुरक्षित रखा हुआ था अंबर नाम के सब्सटेंस के अंदर. तो ये खोजा है ओरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जो कि है अमेरिका के अंदर. इनमें से कौन सा कार्टून कैरेक्टर है जिसे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका नाम है सोन गोकू. सोन गोकू को बनाया गया है 2020 के ओलंपिक खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर. और ये जो कार्टून कैरेक्टर है ये ड्रैगन बॉल जेड नाम का एक कैरेक्टर है, उसमें ये एक छोटा सा कैरेक्टर है. तो ड्रैगन बॉल जेड भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है. ड्रैगन बॉल जेड एक धारावाहिक है, उसके अंदर सोन गोकू एक कैरेक्टर है, हीरो है. और ओलंपिक खेल 2016 में हुए थे रियो डी जनेरियो के अंदर. टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान की मुद्रा है येन, और जापान के हेड ऑफ स्टेट हैं शिंजो आबे. अगला सवाल, एक कमेटी बनी है जो भारत में गोल्ड मेडल लाने की कोशिश जो करती है कमेटी, उसका हेड किसे बनाया गया है? तो ये कमेटी है टीओपी कमेटी, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विजय गोयल जी ने, और इसका हेड बनाया है अभिनव बिंद्रा को, जो आज तक के एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर. तो 2008 के जो ओलंपिक खेल हुए थे बीजिंग में, उसमें शूटिंग में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय है जो, उसके हिसाब से भारत में कितने बैंक हैं अभी तक जिन्हें आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS से लिंक कर दिया गया है? AEPS से लिंक कर दिया गया है कितने बैंकों को अब तक टोटल? सो टोटल बैंक हैं 119 बैंक्स. और आज के लिए आपका पहला सवाल,
आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में जो पेमेंट लिमिट है वो कितनी है, ये आपको बताना है कितनी लिमिट है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के अंदर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने फ्रांस की कंपनी एरोस्पेस एक्विटेन के साथ एक बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड क्लास एरोस्किल अकेडमी खोलने का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यानी फ्रांस की यह कंपनी एरोस्पेस एक्विटेन इस राज्य के अंदर एक अकेडमी लगाएगी जिससे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग अच्छी तरह से की जा सके। तो ये किया तेलंगाना की सरकार ने साइन MOU। तेलंगाना में TRS यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। इनमें से कौन सी तिथि से GAR यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस ये जो रूल है ये इफेक्टिव हो जाएगा, लागू हो जाएगा। GAR का रूल कब से लागू होगा ये आपको बताना है। ये रूल लागू होगा 1 अप्रैल 2017 से। सो आंसर है 1 अप्रैल 2017। और ये रूल ये है कि जो कंपनी है वो जो भी हस्तांतरण करेंगी पैसों का यानी ट्रांजैक्शन करेंगी वो दूसरे कंट्रीज से नहीं कर सकती टैक्स बचाने के लिए, तो टैक्स की चोरी रोकने के लिए ये एक रूल है। अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, यानी ऑलरेडी ये किसी राज्य के गवर्नर हैं और अरुणाचल प्रदेश का कार्यभार भी संभालेंगे, तो नागालैंड के जो गवर्नर हैं PB आचार्य। तो आंसर है नागालैंड के गवर्नर PB आचार्य जो अरुणाचल प्रदेश का कार्यभार संभालेंगे। और जो पहले गवर्नर थे अरुणाचल प्रदेश के JP राजखोवा, उनको रिमूव कर दिया गया था। JP राजखोवा ये नाम भी याद रखिए। इनमें से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का इंटरिम CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये पहला पेमेंट बैंक है जो सरकारी है और इसमें 100% स्टेक सरकार का है, और प्राइवेट पेमेंट बैंक भी खुल चुके हैं, जैसे भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक खुल चुका है जो इन्होंने कोटक महिंद्रा के साथ मिलकर खोला है। भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक भारत के लगभग हर राज्य में खोले जाएंगे और ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है AP सिंह। इनमें से कितना अमाउंट है जो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 1253 किलोमीटर के रोड बनाएगी असम में, उस पर कितना खर्चा करेगी। नेशनल हाईवे बनेगा असम में, उस पर जो टोटल खर्चा किया जाएगा वो किया जाएगा 15,000 करोड़ रुपए। और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनका नाम है नितिन गडकरी। भारत का जो मौसम विभाग है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भारत में कितने वेदर स्टेशन लगाएगा 2019 साल के खत्म होने तक। और ये वेदर स्टेशन हमारी जो मौसम की जानकारी है वो प्रोवाइड करेंगे और कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे निपटने में मदद करेंगे। तो इनका नंबर है 660 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये लगाए जाएंगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा वेदर स्टेशन। इनमें से कौन से देश के अंदर, इस देश में ज्यादातर लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए एक पर्सनल स्टेटस और इनहेरिटेंस कोड बनाया जाएगा जिससे उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो ये निर्णय लिया इस देश के जो प्रेसिडेंशियल अफेयर के चेयरमैन हैं और प्रिंस भी हैं, शेख मंसूर बिन जैयद अल नहयान ने। सो ये देश है UAE। सेरेना विलियम ने इनमें से किसे हराया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 जीतने के लिए, वुमेन्स का सिंगल टाइटल जीता, अमेरिका की हैं ये सेरेना विलियम, और इन्होंने हराया अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम को। वीनस विलियम को हरा के इन्होंने जीता अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, और इनका ये 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 23वां बहुत बड़ी ये उपलब्धि है इनकी, और अब बस ये एक ही पीछे हैं मार्गरेट कोर्ट से। मार्गरेट कोर्ट ने जीते 24 खिताब, इनके हो गए हैं 23। तो ये जो खिलाड़ी फोटो में है ये है वीनस विलियम्स, ये सेरेना विलियम नहीं है, इनकी छोटी बहन है सेरेना विलियम। तो ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017। इनमें से कर्नाटक के कौन से शहर के अंदर देश पांडे फाउंडेशन भारत का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर लगाएगा सितंबर 2017 में। कर्नाटक में देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर लगेगा हुबली के अंदर, और देश पांडे फाउंडेशन किसकी है, इनका नाम है गुरुराज देश पांडे, और ये भारत में एक इंक्यूबेशन सेंटर लगाएंगे जो 200 स्टार्टअप्स नए उद्योगों की हेल्प करेगा हुबली। विदेशी जो कंपनी हैं फॉरेन सप्लायर, उनसे कितने लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारतीय नेवी ने यानी जल सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की 17 जनवरी 2017 को। तो ये
IHS जेन्स डिफेंस वीकली के हिसाब से 57 नेवल फाइटर प्लेन्स खरीदने की डिमांड हुई है, 57। अमरीकी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ह्यूमन पिग डेवलप करा है, यानी जो आदमी है और सुअर उसको मिलाकर ये बनाया गया है ह्यूमन पिग, ये हाइब्रिड है दोनों के बीच में। तो इसका फायदा ये होगा कि ये जो मानव सुअर है इसके जो ऑर्गन हैं वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो सेल हैं वो इस तरह से एक सिमिलर होंगे। तो ये जो जानवर है इसमें मानव के भी सेल होंगे, कोशिकाएं होंगी, और सुअर के भी होंगी। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है जो रखा गया है वो है काइमेरा, काइमेरा। और काइमेरा को जो बनाया है वो अमेरिका के साइंटिस्ट ने बनाया है। मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? ये क्वेश्चन 100% आएगा। ये जो फाइनल हुआ था ये हुआ था रॉड लेवर एरिना के अंदर। रॉड लेवर जो अपने टाइम में बहुत महान खिलाड़ी थे, और ये जीता रॉजर फेडरर ने। इन्होंने हराया रफाइल नडाल को फाइनल में। रॉजर फेडरर ने अपना 18वां ग्रैंड स्लैम जीता, और आज तक के सबसे इतिहास के सबसे ग्रेट खिलाड़ी हैं, ग्रेटेस्ट खिलाड़ी हैं, क्योंकि 18 ग्रैंड स्लैम किसी ने नहीं जीते। रॉजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के, और रफाइल नडाल हैं स्पेन के। 2017 का जो कोलकाता मैराथन था जो 29 जनवरी को हुआ था वो किसने जीता? कोलकाता मैराथन, मुंबई मैराथन के विनर्स भी आई होप आपको याद होंगे, कोलकाता मैराथन जीता, उस खिलाड़ी का नाम है अबुल हुसैन, और अबुल हुसैन है सिलीगुड़ी के। उस मशहूर हॉलीवुड एक्टर का क्या नाम है जिन्होंने 3 हैरी पॉटर की फिल्मों में काम किया, मिस्टर ओलिवेंडर की भूमिका निभाई, और उनका निधन हो गया 25 जनवरी को। 77 ईयर्स ओल्ड थे ये, बहुत ही मशहूर एक्टर थे, और भी कई फिल्मों में काम किया जैसे द एलिफेंट मैन एट्सेट्रा, और इनको सर की उपाधि भी मिली हुई थी, नाइटहुड भी मिला हुआ था। इनका नाम है सर जॉन हर्ट, और सर जॉन हर्ट थे यूके के। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी की जो डेथ एनिवर्सरी है, बरसी है, उसे यादगार बनाने के लिए वर्ल्ड लेप्रसी डे हम 30 जनवरी को हर साल मनाते हैं? लेप्रसी एक बहुत ही भयंकर नसों का रोग होता है, और इन्होंने बहुत काम किया था लेप्रसी को हटाने के लिए, तो इसलिए हम मनाते हैं इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड लेप्रसी डे 30 जनवरी को पूरे विश्व में। तो ये हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। और जो लेप्रसी है इसको बोलते हैं हैंसन्स डिजीज। और लेप्रसी पर एक और बहुत महान व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, वो हैं बाबा आमटे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर मेंस डबल्स टाइटल किसने जीता, ये भी जरूर पूछेंगे आपसे। ये जीता 2 खिलाड़ी हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया के ही थे जिनका नाम है जॉन पियर्स, और दूसरे इनके जोड़ीदार जो फिनलैंड के हैं जिनका नाम है हेनरी कॉटनीनेन। तो बस आपको ये याद रखना है, जॉन पियर ऑस्ट्रेलिया के और फिनलैंड के हेनरी कॉटनीनेन। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हम कब मनाते हैं? नेशनल इम्यूनाइजेशन होता है जब हम टीकाकरण करते हैं, उसे बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, रोगों से बचाने के लिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हम मनाते हैं हर साल 29 जनवरी को, 29 जनवरी को। और हमने ये पोलियो के बारे में जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो फैलाने के लिए मनाया था, और इसको लॉन्च किया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। और मिक्स डबल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता? मिक्स डबल यानी एक मेल और एक फीमेल, तो ये जीता कोलंबिया के जुआन सेबेस्टियन कबाल थे इसमें ये, और इनके साथ अबीगेल स्पियर्स। तो आंसर है डी, जुआन कबाल और अबीगेल स्पियर। अबीगेल स्पियर हैं अमेरिका की और जुआन कबाल हैं कोलंबिया के। और वुमेन्स डबल का खिताब किसने जीता? यानी पांचों खिताब मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो होता है सिंगल्स खिताब मेल फीमेल, एक होता है डबल्स मेल फीमेल, और एक होता है मिक्स डबल। तो वुमेन्स डबल का जो खिताब है वो जीता बेथनी मैटेक सैंड्स और लूसी सफारोवा ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पहला देश है दुनिया का जिसने एक डिजिटल एम्बेसडर, डिजिटल राजदूत को नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है? ये देश है डेनमार्क, डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का पहला अध्याय अभी अभी किस राज्य में आयोजित किया गया 29 तारीख को? नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट यानी नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर 7 बहनें भी कहते हैं, ये अब जो इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिससे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकें। और
इसका जो पहला अध्याय है वो इनॉग्रेट किया हमारी कपड़ा मंत्री टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने, और ये किया गया शिलोंग के अंदर, और शिलोंग राजधानी है मेघालय की। इसको ऑर्गेनाइज किया फिक्की ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर। फिक्की बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेरेना विलियम्स ने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, तो मैंने आपको बताया था सेरेना विलियम्स ने जीते हैं 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल, जो सिर्फ एक कम है मार्गरेट कोर्ट से, जिन्होंने जीते हैं 24। इनमें से कौन सी जगह भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स म्यूजियम, जिसका नाम होगा फेनेटिक स्पोर्ट्स म्यूजियम, उसका उद्घाटन किया गया 29 तारीख को। यह भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम है फेनेटिक स्पोर्ट्स म्यूजियम, तो इसका उद्घाटन किया गया कोलकाता के अंदर। और इस मौके पर बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अभिनव बिंद्रा, दीपा मलिक और देवेंद्र झाझरिया। अब आज के लिए आपका दूसरा सवाल, जो देवेंद्र झाझरिया हैं ये कौन सा खेल खेलते हैं? देवेंद्र झाझरिया, ये बताना है आपको। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स बिल 1960 एक्ट में संशोधन करके कंबल और बुलक कार्ट रेस को लीगलाइज कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जानवरों पे बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं, इसलिए कंबल नाम का गेम, कंबल में भैंसों की रेस होती है और बुलक कार्ट रेस यानी कि जो घोड़ा बुलक कार्ट होती है उसकी रेस, तो ये जो रेस है ये बैन कर दी जाएंगी। लेकिन इस राज्य ने संशोधन कर दिया बिल में और इनको लीगलाइज कर दिया, तो ये राज्य है कर्नाटक। और जलीकट्टू में भी यही किया तमिलनाडु ने, तमिलनाडु ने भी एक संशोधन ऑर्डिनेंस अध्यादेश पास करके उसे लीगलाइज कर दिया। इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसने एक क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम लॉन्च करा है, जिससे हम जो हमारे सेंट्रल हिमालयाज हैं उन्हें बचा सकें, उनमें जो फीजेंट और फिंचेस नाम के जीव हैं उन्हें बचा सकें, इसके लिए क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने मुस्लिम प्रधान देशों के ऊपर बैन लगा दिया है, यानी इन देशों में रहने वाले नागरिक अमेरिका नहीं ट्रैवल कर सकते अगले 3 महीने के लिए, और रेफ्यूजी 120 दिन के लिए एंटर नहीं कर सकते। ये देश हैं 7, और देशों के नाम भी याद रखने हैं, ईरान है, इराक है, लिबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इनमें से कौन सी कॉरपोरेट एजेंसी या बैंक के साथ टाई अप किया है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए? जब भी इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है उसे बोलते हैं बंकश्योरेंस। बंकश्योरेंस होता है जब इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है बैंक के थ्रू टाई अप करके, तो जनरली इंश्योरेंस कंपनी ने किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ ये टाई अप। इनमें से कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने 14 फास्ट पेट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक के 14 जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? यह एक प्राइवेट कंपनी को मिला है, इसका नाम है रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी RDEL, और यह प्रोजेक्ट है 916 करोड़ रुपए का। काकीनाडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी काकीनाडा SEZ लिमिटेड ने कितने रुपए के कॉन्ट्रैक्ट, कितने रुपए के एग्रीमेंट साइन किए हैं बहुत सारी कंपनियों के साथ? ये काकीनाडा SEZ आंध्र प्रदेश में यहां पे वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल जोन बनाने का एक निर्णय लिया, तो इसमें जो टोटल प्रोजेक्ट साइन किए हैं वो किए हैं 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सी रेजिमेंट है जिसे बेस्ट घोषित किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा जो परेड हुई उसके अंदर? कौन सी कंटिंजेंट है जिसे बेस्ट घोषित किया गया? तो बेस्ट घोषित किया गया मद्रास इंजीनियर ग्रुप को, मद्रास इंजीनियर ग्रुप, ये सर्विस कैटेगरी के अंदर इन्हें किया गया, सर्विस कैटेगरी। और एक बात और याद रखिए, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है उसके अंदर किया गया CISF को बेस्ट डिक्लेयर यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बेस्ट परफॉर्मर। मिस यूनिवर्स कौन बनी है 2017 की? ये अभी अभी निर्णय आया और इनका नाम है इरिस मिते नियर, ये फ्रांस की हैं और पेशे से ये डॉक्टर हैं, दंत चिकित्सक हैं, डेंटिस्ट इनका प्रोफेशन है, तो ये सब आपको याद रखना है, इरिस मिटेनेरर। इनमें से किस व्यक्ति को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है, नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? इनका नाम है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल इनलो पार्टी के हैं।
और इनकी जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें यह निर्णय लिया गया गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए? यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है? इनका नाम है अशोक अमृतराज, अशोक अमृतराज। और ये विंबलडन टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। ये हैं इंडिया के गुडविल एम्बेसडर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये पहले एम्बेसडर होंगे यूएन इन इंडिया के। तो ये आपको याद रखना है, अशोक अमृतराज। इनमें से कौन सी सैटेलाइट है जिसके जो एटॉमिक क्लॉक हैं वो NAVIC को बिलोंग करते हैं? उन्होंने एक टेक्निकल स्नैग डेवलप किया है, टेक्निकल स्नैग ये किया है इसरो ने, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो के जो चेयरमैन हैं वो हैं AS किरण कुमार, और ये किया गया IRNSS-1A के लिए। ये जो सैटेलाइट है ये है IRNSS-1A, और जो नेविक है ये 7 सैटेलाइट्स का समूह है, इट इज अ कॉन्सलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे, अगर मैं थोड़ा और डीप जाऊं कि कितने एटॉमिक क्लॉक हैं, तो 27 एटॉमिक क्लॉक है नेविक के पास। दिल्ली पुलिस का चीफ अभी अभी किसे बनाया गया है? दिल्ली पुलिस का चीफ बनाया गया है IPS ऑफिसर अमूल्य पटनायक को, 30 जनवरी को यह बनाया गया, अमूल्य पटनायक, और इनसे पहले थे आलोक वर्मा। इनमें से कौन सी इंडियन सैटेलाइट है जो इसरो ने जो फार्म यानी जंगलों में और जो फार्म हाउस होते हैं, खेती बाड़ी जहां होती है वहां पे जो आग लग जाती है उन्हें डिटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय की है? यानी ये जो सैटेलाइट है ये ऊपर से नजर रखेगी कि कहीं आग तो नहीं लग गई जंगलों में, दावा नल जिसे कहते हैं। तो इस सैटेलाइट का नाम है, ये वैसे एक मौसम विभाग की सैटेलाइट है, इंडियन वेदर सैटेलाइट, और इसको लॉन्च किया इसरो ने। इसका नाम है इनसेट 3DR। इनमें से किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने BCCI की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का हेड बनाया है? बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी रह चुके हैं। इन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, यानी मैं सिर्फ मुनीम नहीं हूं। तो इसको लिखा है विनोद राय ने, विनोद राय, और विनोद राय, रामचंद्र गुहा और विक्रम लिमाए, ये तीनों हैं 4 मेंबर की कमेटी में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से किया गया है। BCCI को अब विनोद राय संभालेंगे, इसके हेड होंगे। रामचंद्र गुहा भी इसके अंदर हैं जो कि मशहूर इतिहासकार हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रां प्री वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो मलेशियन मास्टर्स जीता था सैना नेहवाल ने पिछले हफ्ते, और पीवी सिंधु ने जीता है सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रां प्री, ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु। मशहूर पत्रकार कौन है जो जिनका अभी अभी निधन हो गया, और जब महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को तो ये वहां पर मौजूद थे, ये चश्मदीद गवाह थे। तो इनका नाम है देवदत्त, देवदत्त। एमैनुअल रीवा, इनका अभी अभी निधन हो गया, ये बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी थी। कौन से फील्ड में ये सक्रिय थी? तो ये एक बहुत ही मशहूर फ्रांस की एक्ट्रेस थी, तो आंसर है एक्टिंग। कौन से देश की थी? फ्रांस। इनमें से किसकी डेथ एनिवर्सरी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? 30 जनवरी 2017 को हमने मनाया, 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, तो इसका आंसर भी है महात्मा गांधी जी। सो आंसर है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इनमें से कौन सी डिजिटल वॉलेट, इंडियन डिजिटल वॉलेट कंपनी की सक्सेस स्टोरी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी बनेगी? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी बनेगी कौन सी डिजिटल वॉलेट कंपनी जो भारतीय है उसकी स्टोरी? तो ये कंपनी है पेटीएम, पेटीएम। सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC, ISS बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और कौन सा इंस्टीट्यूट मिलके एक ड्रिप प्रोजेक्ट में सुधार के लिए एक MOU इन्होंने साइन किया है जिससे ड्रिप प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके? ड्रिप बोलते हैं डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को, जो हमारे बांध हैं उनको पुख्ता करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो इसके लिए जो टाई अप हुआ है वो हुआ है IIT मद्रास,
आईएएस बेंगलुरु और सेंट्रल वाटर कमीशन में। इनमें से नालंदा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसे बनाया गया है? 25 जनवरी से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और इनका नाम है विजय पंदुरंग भाटकर, विजय पंदुरंग भाटकर। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इनका नामांकन किया, 3 साल के लिए अपना ये कार्यभार संभालेंगे। इनमें से किस व्यक्ति को 2017 ऑप्थेल्मोलॉजी हॉल ऑफ फेम, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, वो जो पढ़ाई करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों की जो स्टडी होती है आंखों के रोगों की, तो ये हैं मशहूर आंखों के डॉक्टर, भारतीय मूल के डॉक्टर। इन्हें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रेक्टिव सर्जरी ने हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। हॉल ऑफ फेम होता है जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों की एक जगह होती है, उनका ग्रुप होता है उसे बोलते हैं। इनका नाम है डॉक्टर गुल्लपल्ली राव, डॉक्टर गुल्लपल्ली राव, और ये फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। इनमें से किस व्यक्ति को अफ्रीकन यूनियन यानी AU का नया चेयरमैन बनाया है, कमीशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन का नया चेयरमैन बनाया है, मिस्टर मूसा फाकी को, मूसा फाकी। ये एक देश है जिसका नाम है चैड, चैड देश के प्रधानमंत्री हैं ये। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, जो आर्थिक विश्लेषण हुआ है उसके हिसाब से भारत का GDP कितना ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2018 में, यानी कि 2017-18, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 या फिस्कल भी बोल सकते हैं आप इसे, इसमें इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हम ग्रो करेंगे 6.75 से 7.5%। सो आंसर है डी। वो कौन सी ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है जिसके साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने एक टाई अप किया है होम स्टे स्कीम को प्रमोट करने के लिए? मध्य प्रदेश की सरकार ने होम स्टे स्कीम को प्रमोट करने के लिए टाई अप किया है makemytrip.com के साथ। वो हमारे कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने डिजिटल रेडियो गोलमेज कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, उसको लॉन्च किया, डिजिटल रेडियो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको लॉन्च किया, एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया हमारे कर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिससे जो डिपॉजिट्स हैं उनको, उन पे नजर रखी जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके विमुद्रीकरण के बाद? तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन क्लीन मनी। और सैयद मोदी जो ग्रोप्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, जिसमें फीमेल जो थी जिन्होंने जीता पीवी सिंधु, मेन्स टाइटल किसने जीता? तो मेन्स टाइटल भी जीता भारतीय बैडमिंटन प्लेयर ने, इनका नाम है समीर वर्मा। नेशनल लेप्रसी अवेयरनेस कैंपेन, लेप्रसी रोग के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन है, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एंटी लेप्रसी डे के ऊपर। तो आपको बताना है इसका नाम क्या रखा गया इस बार? इसका नाम रखा गया स्पर्श कैंपेन। स्पर्श मतलब होता है छूना। तो ये एक हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने ये ऑर्गेनाइज किया। और जैसा मैंने बताया 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की याद में हम मनाते हैं एंटी लेप्रसी डे, क्योंकि महात्मा गांधी जी का लेप्रसी को जो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उसके लेप्रसी से पीड़ित जो मरीज हैं उनके सुधार और विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान था। इनमें से कौन से शहर में नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ? नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हुआ पुणे के अंदर, और इसका पर्पज़ ये था कि जो नॉर्थ ईस्ट के अगर कोई फिल्म मेकर हैं, अगर वो अपनी फिल्में दिखाना चाहते हैं तो इसमें वो दिखा सकते हैं। इनमें से भारत के कौन से शहर में इंडियन फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 कॉन्फ्रेंस हुई? जो दवाइयों की कंपनी है और जो मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी है, इनकी जो कॉन्फ्रेंस अभी हुई, ये हुई बेंगलुरु के अंदर। और इसका जो थीम है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं फॉर रेस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर ये थीम है, और ये 11 से 13 फरवरी को होगी, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी। इनमें से कौन से देश के साथ भारत की सरकार ने शिपिंग एग्रीमेंट साइन किया है भारत की सरकार ने? इनमें से इसको बोलते हैं वाइट शिपिंग एग्रीमेंट, और ये साइन हुआ है फ्रांस के साथ। इसमें दोनों देश आपस में एक दूसरे की जो समुद्री ताकत है उसको बढ़ाने में मदद करेंगे, आपसी सहयोग करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर CEPI लॉन्च हुआ, जो नई दवाइयाँ बनाएगा
जिससे हम रोगों से लड़ सकेंगे, तो CEPI की फुल फॉर्म क्या है? CEPI की फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। सो आंसर है डी, यानी कि जो एपिडेमिक होते हैं, एपिडेमिक होते हैं जो किसी एक विशिष्ट समय या विशिष्ट देश में एक पर्टिकुलर समय पे आते हैं। जैसे दिल्ली में हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे डेंगू फैलता है, तो वो एक एपिडेमिक है। और एक और वर्ड होता है, वो है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में फैलते हैं रोग, उन्हें बोलते हैं एंडेमिक। और एक होते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब जो कई देशों में एक साथ फैल सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, वो होते हैं पेंडेमिक। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे भारत का पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी POPSK इनोग्रेट हुआ? POPSK ये हुआ मैसूरू के अंदर, कर्नाटक के अंदर। इनमें से कौन सा शहर है जिसने टॉप किया 2017 का JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स? JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स, इसको कौन से सिटी ने टॉप किया? तो इसको टॉप किया बेंगलुरु ने, और नंबर दो पे थी इसमें होची मिन सिटी। तो ये इंडेक्स इसने बताया मोस्ट डायनामिक सिटी कौन सा है, और वो है बेंगलुरु। इनमें से कितना अमाउंट वर्ल्ड बैंक भारत को लोन देगा त्रिपुरा पावर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए? त्रिपुरा के अंदर जो बिजली सुधार में जो प्रोजेक्ट लगेगा, उसमें वर्ल्ड बैंक हमें लोन देगा 1376 करोड़ रुपए। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में, जो अमेरिका की राजधानी है। वॉशिंगटन DC में ही IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। और IMF ने इंडिया का जो GDP फॉरकास्ट है वो दिया है 6.6%। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का इंटरनेशनल सिंपोजियम, एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल सिंपोजियम हुआ भारत के अंदर? ये अभी अभी कंडक्ट की गई, 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी नई दिल्ली के अंदर, और इसको कंडक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, जो हमारे 5 पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इनका जो मंत्रालय है, जिसके मिनिस्टर हैं श्रीपद येस्सो नायक। ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे पहला, इतिहास का पहला एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन इंटरनेशनल डांस आयोजित किया गया? ABU, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन इंटरनेशनल डांस, ये आयोजित किया गया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर, और इसको आयोजित किया गया शिल्प कला वैदिका टेराकोटा ऑडिटोरियम के अंदर। 2017 का वोडाफोन प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी PBL का खिताब कौन सी टीम ने जीता? प्रीमियर बैडमिंटन लीग में चेन्नई स्मैशर्स ने हरा दिया फाइनल में मुंबई रॉकेट्स को, तो आंसर है चेन्नई स्मैशर्स। और जो ये फाइनल हुआ था, ये हुआ था दिल्ली के सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। आदित्य, ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, ये कहां पर लॉन्च की गई? आदित्य लॉन्च की गई केरल के अंदर, और इसका ये भारत की पहली सोलर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, और इसका उद्घाटन किया वहां के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। और जिस झील के अंदर ये चल रही है वो है वेम्बानाद लेक। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जहां पे छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है? ये अभी न्यूज में आया था, छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट, और इसकी जो क्षमता है वो है 2650 मेगावाट। ये भी आपको याद रखना है। ये है बरन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है राजस्थान में, तो आंसर है राजस्थान। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो NTPC है वो इसको खरीद रहा है, अब वो इसको टेक ओवर कर लेगा NTPC। जो विचार मंच है अटलांटिक काउंसिल, ये अभी न्यूज़ में आया था, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? ये एक थिंक टैंक है और ये प्रमोट करता है कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप और एंगेजमेंट। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर। और ये इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि जो मनीष तिवारी हैं, जो पूर्व कांग्रेस के मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको इसका सीनियर फेलो अपॉइंट किया गया है थिंक टैंक का, अटलांटिक काउंसिल का। इनमें से जो एयरटेल पेमेंट बैंक खुला है जगह जगह पर, वो कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा? एयरटेल पेमेंट बैंक आपके जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हैं, आप जो पैसा बैंक में डालोगे सेविंग अकाउंट में, उसमें कितना पैसा देगा, कितना ब्याज देगा एयरटेल पेमेंट बैंक? तो पूरे 29 राज्यों के अंदर ऑफिशियली ये लॉन्च हो चुका है, और ये पहला पेमेंट बैंक है भारत का जो पूरा डिजिटल है और पेपर फ्री बैंक है। ये भी आपको याद रखना है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक KYC कर सकते हैं और आपका आधार नंबर जिसके लिए रिक्वायर्ड होगा, तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा 7.25%।
7.25%। निकारगुआ एक देश है छोटा सा, निकारगुआ का जो नया राष्ट्रपति कौन बना है, इनका नाम है डैनियल ऑर्टेगा। डैनियल ऑर्टेगा ये तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि नए बने हैं लेकिन तीसरी बार लगातार बने निकारगुआ। तो क्या आप मुझे निकारगुआ की राजधानी बता सकते हैं कमेंट्स में लिख के? इनमें से कौन से देश में 2017 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी कम्युनिकेशन, यानी जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए, उनके संचार के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय, कौन से देश के अंदर हुई? यह आयोजित की गई इंडिया के अंदर, इंडिया। और ये आयोजित अगर पूछे इंडिया में कहां की गई, तो मुंबई के अंदर की गई। इनमें से कौन सा देश है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक इवेंट जिसका नाम है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत का त्योहार नाम का एक इवेंट, ये कौन सा देश आयोजित कर रहा है? ये अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है घाना, और घाना की राजधानी है आक्रा। इसमें बहुत सारे भारत के जो डांस हैं, म्यूजिक है, जो कल्चर है, वो दिखाया जाएगा। इनमें से वो कौन सा कलवारी क्लास स्कॉर्पिन स्टेल्थ सबमरीन है जो अभी अभी लॉन्च किया समुद्र के ट्रायल्स के लिए? तो समुद्र में इसके ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे, ये है कलवारी क्लास स्कॉर्पिन स्टेल्थ सबमरीन, यानी पानी के नीचे जो छुपके वार करती है पंडुपी, वो है ये। इसका नाम है INS खंडेरी, खंडेरी, और इसे मजगन डॉक शिपयार्ड मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2017? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो ये बताती है कि दुनिया में जो लॉन्ग टर्म रिस्क हैं वो कहाँ पे कितने हैं, तो ये लॉन्च की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। श्रेयस मेहता ये कौन सा खेल खेलते हैं, और ये न्यूज़ में आए थे अभी अभी क्योंकि इन्होंने जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली है, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप। इन्होंने कोलंबिया के जुआन जोस टॉरेस लारा को फाइनल में हराया, और ये हुई थी स्कॉटलैंड के अंदर। तो ये खेलते हैं स्क्वाश, और स्क्वाश में एक खिलाड़ी और याद रखिए जो एग्जाम में पूछते हैं, जोशना चिनप्पा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है जोशना चिनप्पा कौन सा खेल खेलती हैं, तो आंसर है स्क्वाश। पीटर सारस्टेट, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं और गाना लिखने वाले व्यक्ति थे, सिंगर और सॉन्ग राइटर। कौन से देश के हैं? पीटर सारस्टेट, पीटर सारस्टेट हैं इंग्लैंड के, इंग्लैंड। वो भारतीय बच्चा कौन है, इंडियन टीनेजर, जिसे यंग ट्रेवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2016? और ये जो सालाना इंटरनेशनल ट्रेवल फोटोग्राफी अवार्ड्स होते हैं फॉर एमेच्योर, उसके अंदर इसे ये अवार्ड मिला। ये 14 साल का बच्चा है, इसका नाम है दर्पण बसाक, दर्पण बसाक। वेलावन सेंथिल कुमार ये कौन सा खेल खेलते हैं, और ये अभी अभी न्यूज में आए क्योंकि इन्होंने अंडर 19 ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट जीता, तो ये भी खेलते हैं स्क्वाश। जिगमुंत बोमन ये एक मशहूर सोशियोलॉजिस्ट समाजसेवी, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये कौन से देश के थे? ये बहुत ही मशहूर सोशियोलॉजिस्ट थे और ये थे पोलैंड के, पोलैंड जिसकी राजधानी है वॉरसो। इनमें से वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के साथ कैपिटल सपोर्ट देने के लिए, जो उद्योग हैं एंटरप्राइज उसके लिए एक टाइप किया है, तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने टाइप किया है सिडबी के साथ? सिडबी वही है जिसने मुद्रा स्कीम लॉन्च की थी, मुद्रा बैंक लॉन्च किया था, मुद्रा बैंक सिडबी के अंदर आता है। ये कंपनी है LIC, भारत की सबसे बड़ी कंपनी LIC। नेक्स्ट, इनमें से 2017 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ वक्फ बोर्ड ये कहां पर आयोजित की गई? ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ वक्फ बोर्ड, और इसको इनोग्रेट किया मुख्तार अब्बास नकवी में। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर के और पार्लियामेंट्री अफेयर के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो यह आयोजित की गई नई दिल्ली के अंदर। इनमें से कौन सी फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में? बेस्ट फिल्म, एक फिल्म है लाला लैंड जिसे 7 अवार्ड मिले, लेकिन बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला मूनलाइट को, मूनलाइट। अकबर हशेमी रफसंजानी, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कौन से देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे? अकबर हशेमी रफसंजानी थे ईरान के पूर्व राष्ट्रपति। इनमें से कौन से टेनिस खिलाड़ी का जोड़ा है जिन्होंने एयरसेल चेन्नई ओपन मेंस डबल टूर्नामेंट जीता है?
एयरसेल चेन्नई ओपन मेंस डबल टूर्नामेंट ये जीता रोहन बोपन्ना और जीवन नैदुन चाजियां ने, दोनों के नाम याद रखिए, रोहन बोपन्ना और जीवन नैदुन चाजियां। अभी अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस जल मंथन तृतीय, ये कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई, जल मंथन तृतीय को आयोजित किया नई दिल्ली के अंदर, और हमारी जो मिनिस्टर हैं जल संसाधन की उमा भारती, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इनमें से किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एशियन पेंट्स ने अभी अभी अपने अल्टीमा प्रोटेक्ट के लिए, तो ये आपको बताना है, ये बनाया है रणबीर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर पे। आप हमारा एक अलग स्पेशल वीडियो है वो भी देख सकते हैं। और अरबिंदो फार्मा, ये जो दवाइयों की कंपनी है, इन्होंने एक पुर्तगाल की दवाइयों की कंपनी जेनेरिस इसको खरीद लिया है, तो ये डील कितने रुपए में साइन हुई है, और जो अरबिंदो फार्मा है ये है हैदराबाद की कंपनी, इन्होंने पुर्तगाल की इस कंपनी को खरीदा $135 मिलियन में। ये क्वेश्चन है मर्जर एंड एक्विजिशन बिजनेस जी के। इनमें से किस व्यक्ति को SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है, SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका नाम है कुमार श्रादिंदु। स्मार्टफोन की जो कंपनी है जियोनी, वैसे चाइना की कंपनी है, तो जियोनी कंपनी, लेनोवो कंपनी, ये सब चाइना की कंपनी है। जियोनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, इनका नाम है विराट कोहली, जो अब भारत के T20 वनडे और टेस्ट मैच तीनों में भारत के कप्तान है। इनमें से कौन सी कंपनी के साथ राजस्थान की सरकार ने जयपुर को, पिंक सिटी जयपुर को अगला स्टार्टअप डेस्टिनेशन की तौर पर डेवलप करने के लिए एक कोलैबोरेशन किया है, राजस्थान की सरकार ने इनमें से सिस्को कंपनी के साथ टाई अप किया है कि अब ये जयपुर में जो नए उद्योग है उनको बढ़ावा दे और इसको एक स्टार्टअप डेस्टिनेशन बनाए। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को एक साल के लिए खत्म कर दिया है डेबिट कार्ड के ऊपर, अगर डेबिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, ये किया गया है छोटे व्यापारियों के लिए जिनका साल का एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट उन्हें नहीं पे करना पड़ेगा एक साल तक डेबिट कार्ड के ऊपर, यह निर्णय लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने। आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में, डिस्ट्रिक्ट में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का 10वां बटालियन का कैंपस बन रहा है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के 10वें बटालियन का कैंपस, नया कैंपस आंध्र प्रदेश के कृष्णा शहर के अंदर बन रहा है, कृष्णा जिला। थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अभी अभी गोल्ड मेडल किसने जीता, ये भारत के हैं और 8 साल का बच्चा है, दूसरी क्लास में पढ़ता है, सेकंड क्लास में, जम्मू कश्मीर से है, इसका नाम है अब्बू अमाज। नेक्स्ट, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि हिंद महासागर में एक प्लेट बाउंड्री बनेगी नई, जो जमीन के टुकड़े हैं उनके बीच में, और ये जो 2012 में जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था अंडमान और सुमात्रा रीजन में, उसकी वजह से बनेगी, तो उस अर्थक्वेक का क्या नाम था, ये आपको बताना है, जो आया था, जो अभी अभी न्यूज़ में भी आया, तो इसका नाम था स्लिप स्ट्राइक क्विक। भारत का राजदूत कौन बना है रिपब्लिक ऑफ सेशल के लिए, तो कई बार आप वर्ड देखेंगे एम्बेसडर, कई बार देखेंगे हाई कमिश्नर, एक ही बात है, तो रिपब्लिक ऑफ सेशल के लिए भारत के राजदूत होंगे डॉक्टर ऑसफ सैयद। बीपीओ फर्म WNS ग्लोबल सर्विसेज ने अभी अभी अमेरिका की देनाली सोर्सिंग सर्विसेज कंपनी को खरीद लिया है, तो ये कितने में ये डील हुई है, WNS ग्लोबल सर्विसेज ने अमेरिका की कंपनी देनाली सोर्सिंग को खरीदा $40 मिलियन में, $40 मिलियन। इनमें से कौन से राज्य में यूरोपियन IT कंपनी एटॉस और नेस्कॉम फाउंडेशन ने कोलैबोरेट किया है, दोनों मिलकर बनाएंगे NDLM सेंटर, यानी नेशनल डिजिटल लिटरेसी सेंटर, और यह सेंटर बनाया जाएगा गुजरात के अंदर, इट विल बी बिल्ट इन गुजरात, गुजरात में अगर पूछे कहां तो वडोदरा के अंदर यह बनाया जाएगा। ओला फ्लीट टेक्नोलॉजी का नया CEO कौन बना है, ओला फ्लीट टेक्नोलॉजी के नए CEO बने हैं शलभ सेठ। इनमें से अमेरिका के वो सिंगर कौन है जिनकी बहुत फेमस एल्बम थी जिसका नाम है द लेडी इज अ ट्रैम्प, और इनका अभी अभी स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया, तो अमेरिका के ये जैज और पॉप सिंगर और पियानो भी बजाते थे, इनका नाम है बडी ग्रेको,
बड़ी ग्रेको, और एक नई साइबर वोकैबुलरी बुक जिसका नाम है साइबर पाठशाला, ये अभी अभी लॉन्च हुई है। इसको लॉन्च किया हमारे शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आता है, प्रकाश जावड़ेकर ने। तो आपको बताना है साइबर पाठशाला नाम की किताब किसने लिखी है, ये लिखी है तरुण विजय ने, तरुण विजय। इनमें से MRF के पूर्व डायरेक्टर कौन थे जिनका अभी अभी निधन हो गया, तो ये थे MRF के डायरेक्टर, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ था, और ये फिलेंथ्रोपी भी काफ़ी करते थे, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया में भी थे 15 साल तक। तो इनका नाम है KM फिलिप। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी एक पावर बजट दिया, पावर बजट, अपना बिजली के लिए जो बजट है वो दिया, और इसमें कई तरह की चीज़ें सामने आई, जैसे जो पहला पावर बजट है इनका 6 महीने पहले आया था, और ये दूसरा पावर बजट है इनका जो 6 महीने बाद हुआ है। ये राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है हसीब दराबू, इन्होंने ये पावर बजट दिया। इनमें से कौन सा बैंक है जो तमिलनाडु के जो मंदिर हैं उनमें, अब आप कैश तो दे नहीं सकते, डोनेशन पैसा दे नहीं सकते, तो डिजिटली आप इनको डिजिटल बनाएगा मंदिरों को, तो कौन सा बैंक तमिलनाडु के मंदिरों को डिजिटल बनाएगा जिससे वहां पे कैशलेस डोनेशन हो सके, ये बैंक है HDFC बैंक, और HDFC बैंक के जो मालिक हैं वो हैं आदित्य पुरी। इनमें से कौन से भारत के पॉलिटिकल लीडर हैं जो अमेरिका के विचार मंच अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, ये हैं कांग्रेस के पूर्व यूनियन मिनिस्टर मनीष तिवारी। और भारत के माइनॉरिटी अफेयर, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी अभी आए, पहले तो ये न्यूज़ में आए थे क्योंकि जो हज यात्रा थी वो चल रही थी, उसके बाद जो माइनॉरिटी अफेयर्स की जो 6 मेंबर एक कमेटी भी बनी थी इसके लिए, जिसने ये डिसाइड करना था कि जो हज की यात्रा होती है उसमें उसमें सब्सिडी दी जाए कि नहीं, तो इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, इसके हिसाब से जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो कितने नंबर से और बढ़ेगी 2017 के अंदर, तो ये नंबर है 34 लाख, 2017 में 3.4 मिलियन, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगी 3.4%, ये इंक्रीज करेगी 3.4%, और 2018 में 3.6%। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी 3.4 मिलियन से। भारत की वो कौन सी बॉक्सर हैं जो पहली भारत की फीमेल बॉक्सर बनी है जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग करेंगी, और भारत के पहले मेल जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में गए थे वो हैं विजेंद्र सिंह, और फीमेल हैं सरिता देवी। सरिता देवी एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं, और सरिता देवी भारत में कौन से राज्य से हैं, ये है आज आपका चौथा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश है जो अभी अभी यूनाइटेड नेशंस का ग्रुप ऑफ 77 उसके अंदर अपॉइंट किया गया है, उसको उसकी अध्यक्षता करने के लिए, चेयर करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। और जो एक ग्रुप ऑफ 77 है, ये 134 विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्री, उनके लिए बनाया गया है, तो ये देश है इक्वाडोर, इक्वाडोर। इनमें से कौन से देश के साथ भारत ने एक MOU साइन किया है 3000 जो बारिश का पानी है उसे हार्वेस्ट करने के लिए जो सिस्टम बनाए जाएंगे उसमें ये देश हमारी मदद करेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाएंगे, ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जवर्धनेपुरी कोट्टे। इनमें से कौन सी भारतीय एयरलाइन कंपनी है जिसने अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की जो जहाज बनाने वाली कंपनी है हवाई जहाज बोइंग, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, 205 एयरक्राफ्ट खरीदेगी ये भारत की हवाई कंपनी, इसका नाम है स्पाइस जेट। और बोइंग की मेन कॉम्पिटिटर है एयरबस कंपनी है फ्रांस की, एक और कंपनी है वोल्वो, और वोल्वो कंपनी है स्वीडन की। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, ये शरद पवार को रिप्लेस करेंगे, शरद पवार को हटा दिया गया था, और इनका नाम है आशीष शेलार, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के। पवन हंस जो कई सारे हवाई उपकरण बनाती है जैसे हेलीकॉप्टर इत्यादि, उसमें सरकार ने डिसाइड करा 11 जनवरी को कि वो अपना कितना % स्टेक इसमें बेच देगी,
तो ये आपको बताना है। ये हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटर है पवन हंस, तो 51% स्टेक सरकार ने डिसाइड किया है, इसमें अपना बेच देगी। और जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए 2017 जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दंगल को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला आमिर खान को, उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला नितेश तिवारी को, नितेश तिवारी, और इन्होंने ही दंगल को बनाया था, ये उसके डायरेक्टर थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला फिल्म फेयर अवार्ड में? ये मिला शत्रुघ्न सिन्हा को। सो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड किसे मिला बेस्ट फिल्म के लिए? जब ये क्रिटिक्स वर्ड आ जाए तो ये समझ जाइए ऑफिशियल अवार्ड नहीं होते, ये जो पब्लिक की तरफ से होते हैं, एक तरह से सांत्वना पुरस्कार होते हैं, ये मिला नीरजा को। और नीरजा में जो नीरजा भानोत की भूमिका निभाई थी वो सोनम कपूर ने निभाई थी। और नीरजा फिल्म के लिए जो शबाना आजमी है इन्हें एशियन फिल्म अवार्ड में भी नॉमिनेशन मिला। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जो मार्केट रेगुलेटर है, मार्केट वॉचडॉग है, उसने अपनी जो ब्रोकर फी है वो कितने परसेंट कम कर दी है जिससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कम किया जा सके? तो सेबी ने ये डिसीजन लिया और अपनी जो फी है वो 25% कम कर दी है, 25% कम कर दी है। सो आंसर है 25%। और 20 रुपीज़ 20, 1 करोड़ रुपए पे 20 रुपए लेता था सेबी अपनी ब्रोकर फी, और अब लेगा सिर्फ 15 रुपए हर 1 करोड़ रुपए पे। वो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने अभी अभी एक लॉन्च किया है कस्टमर एक्विजिशन एंड कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिससे इसके जो कस्टमर हैं वो अपना वेरिफिकेशन करवा सकें इलेक्ट्रॉनिकली आधार बेस्ड EKYC नो योर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर को? CACMS लॉन्च करा कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने? तो ये किया भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने। इनमें से कौन से राज्य में 2 दिवसीय सालाना ऊंट का त्यौहार कैमल फेस्टिवल ये मनाया गया और ये 14 जनवरी को आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में कहां किया गया? बीकानेर। इनमें से केरल का कौन सा वो शहर है जिसे डिक्लेयर किया गया है पहला एल्डरली फ्रेंडली सिटी, यानी जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये शहर, एल्डरली फ्रेंडली सिटी है, और ये ऐसा होने वाला केरल का पहला शहर है, ये है कोझीकोड, कोझीकोड। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 16 जनवरी को कौन सा साल मनाया करेंगे, और हर साल ये मनाएगा रिलीजियस फ्रीडम डे। अब तो ये नहीं रहे राष्ट्रपति, उस वक्त राष्ट्रपति थे, तो 16 जनवरी इन्होंने डिसाइड किया कि रिलीजियस फ्रीडम डे मनाया जाएगा। फिजियोलॉजी नोबेल प्राइज विनर थे ये, इनका अभी अभी निधन हो गया, तो इन्होंने एक टेक्निक नॉकआउट माइस ये लॉन्च की थी, इसके लिए इन्हें फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला था। इनका निधन हो गया तो आपको इनका नाम बताना है, इनका नाम है ओलिवर स्मिथिस, ओलिवर स्मिथिस, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलोरिना के ये साइंटिस्ट थे। इनमें से कौन सा बिजनेस एनहांसमेंट प्रोग्राम है जो येस बैंक ने लॉन्च किया है जिससे वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन अपना बढ़ा सके, पुख्ता कर सके? इसका नाम इन्होंने रखा है यस फिनटेक, यस फिनटेक। अगला सवाल, सर्बिया में नेशंस कप आयोजित किया गया, तो ये नेशंस कप कौन सी कंट्री ने जीता? नेशंस कप को जीता कजाकिस्तान ने, कजाकिस्तान पहले नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे रहा रशिया। नेशंस कप बात हो रही है बॉक्सिंग की। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक फैसिलिटी लॉन्च करी है कस्टमाइजेबल सेविंग अकाउंट की, जिससे जो कस्टमर हैं वो अपने अकाउंट के फीचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं? ये फैसिलिटी लॉन्च करी येस बैंक ने। इनमें से कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने एक मोबाइल टीवी सर्विस लॉन्च करा है जिसका नाम है डिट्टो टीवी? डिट्टो टीवी किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा, और ये एक मोबाइल टीवी है। इनमें से मर्सिडीज गाड़ी ने अपना जो ड्राइवर थे, मर्सिडीज गाड़ी दो चलाते थे, एक तो लुइस हैमिल्टन और एक निको रॉसबर्ग, और हर बार जो रेस होती है इन्हीं के बीच में रहती है, तो निको रॉसबर्ग ने संन्यास ले लिया है, उनके स्थान पर मर्सिडीज ने अपना ड्राइवर फॉर्मूला वन अगले सीजन के लिए किसको बनाया है? इनका नाम है वाल्टेरी बोटास, वाल्टेरी बोटास। तो ये होंगे
लुइस हैमिल्टन के नए टीममेट। अभी अभी एक राजनेता तरुण प्रसाद चटर्जी, इनका निधन हो गया। ये कौन से राज्य के एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तरुण प्रसाद चटर्जी। तो ये सीनियर कांग्रेस लीडर थे और मंत्री थे छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर में। सो आंसर है छत्तीसगढ़। इनमें से कौन सा देश है जहां पे दुनिया का पहला बेबी जो 3% IVF टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं, उसके द्वारा जन्मा। ये दुनिया का पहला बेबी है जो 3% IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जन्मा, और ये देश है मैक्सिको। इनमें से वो मछली की कौन सी प्रजाति है जिसे वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल का जो मछली विभाग है, फिशरीज डिपार्टमेंट, उसने कहा है कि इसे कानूनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वरना ये लुप्त हो जाएगी, इतनी ज्यादा एंडेंजर्ड है। इस मछली की प्रजाति का नाम है हिसला, हिसला मछली। और भारतीय एएक्सए जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे नियुक्त किया है, इनका नाम है संजीव श्रीनिवासन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको याद रखना है। वो भारत के पूर्व साइंटिस्ट जिनका निधन हो गया, इन्होंने ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया कहते थे, इन्हें ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था इन्हें, तो इनका निधन हो गया। ये एक बहुत बड़े पायोनियर थे, जो ब्लैक होल होते हैं हमारे अंतरिक्ष में, उसको खोजने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इससे पहले पूरी दुनिया में ब्लैक होल की चर्चा होती, इन्होंने इसकी चर्चा की थी और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी इस बारे में, ब्लैक होल से रिलेटेड। इनका नाम है सी वी विश्वेश्वरा। इनका निधन हो गया। उस चाइनीज रोबोट जर्नलिस्ट का क्या नाम है जिसने अपना डेब्यू किया 18 जनवरी को, और इस रोबोट ने एक आर्टिकल भी लिख दिया। ये एक रोबोट पत्रकार है, चाइना का रोबोट पत्रकार, इसका नाम है जियाओ नान। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं। इनमें से कितने देश हैं जो बीजिंग स्थित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मेंबरशिप है वो चाहते हैं, उन्होंने अप्लाई करा है? तो 57 कंट्रीज तो इसमें ऑलरेडी हैं। कितने और देश हैं जिन्होंने इसकी मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन भेजे हैं? तो ये कहा फॉरेन मिनिस्टर चाइना के हुआ चुनयिंग ने, 30 कंट्रीज ने और अप्लाई किया है। इनमें से भारत का कौन सा वो मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है जिसने एक उर्दू भाषा के अंदर डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया है, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया है उर्दू भाषा के अंदर? यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उर्दू भाषा को प्रमोट करने के लिए यह स्टार्ट किया है IIMC ने। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ केंद्र सरकार ने मिलकर एक MOU साइन किया है जिसमें 1000 जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत इस इंस्टीट्यूट में वो सेटअप किए जाएंगे? तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर एक MOU साइन किया गया है? ये है नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी और भारत सरकार मिलकर स्थापित करेंगे जन औषधि केंद्र। उस पाकिस्तानी क्रिकेटर का क्या नाम है जो पहला क्रिकेटर बना जिसने 1000 रन बनाए 21 इनिंग्स में वनडे मैचेस के अंदर? तो इस पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम है बाबर आजम। ये फास्टेस्ट प्लेयर बना पाकिस्तान का जिसने सबसे जल्दी 1000 रन बनाए। और भारत का जो ग्रेनेडा के लिए नया राजदूत है वो किसे बनाया गया है? इनका जो निवास होगा वो होगा पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज के अंदर, इनका नाम है बिस्वदीप दे। एक फिया स्कूल इनिशिएटिव है, FI@School initiative, इसे लॉन्च किया गया कौन से बैंक द्वारा जिससे बच्चों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी जो वित्तीय सचेतना है वो बढ़ाई जा सके? तो ये लॉन्च किया केरल ग्रामीण बैंक ने फाइनेंशियल लिटरेसी एट स्कूल इनिशिएटिव। इनमें से कौन से भारतीय फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने अभी अभी स्पेनिश फुटबॉल क्लब एस्पोर्टिव जुपिटर, जो बार्सिलोना कैटालोनिया का क्लब है, उसके साथ एक डील साइन की है, इस क्लब को ज्वाइन कर लिया है? कौन से भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने यह किया है? इनका नाम है जयेश रायमलानी। इनमें से कौन सी इंडियन फिल्म है जिसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला इंटरनेशनल बोरेगो स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल जो कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ 16 जनवरी 2017 को? इस फिल्म का नाम है सांझ और इसको डायरेक्ट किया है, यह भी याद रखना है किसने, इसके डायरेक्टर हैं अजय सकलानी। इनमें से कौन से भारतीय को फीफा फुटबॉल की फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया गया 20 जनवरी 2017 को?
which Indian has been appointed as the member of FIFA's finance committee? इनका नाम है प्रफुल पटेल, जो पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये थे बेस्ट क्वेश्चन इस हफ्ते के, लगभग 183 क्वेश्चन। जैसा मैंने कहा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं और कुछ क्वेश्चन जो पहले छूट जाते थे, बहुत कहीं छुप जाते थे, उनको भी हमने अखबारों के हर कोने से निकाला है। तो अगर आप जनवरी के, यही जनवरी खत्म होता है, अगर आप जनवरी के ये मेरे वीडियो देख लेते हैं, टोटल वीडियो हैं 5, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक के 2 पार्ट हैं। पांचों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आपको जनवरी महीने में कोई भी क्वेश्चन डरा नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।